का क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन द वेरियस वेज इन विच ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर बिकम फ्रेंड्स एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस। क्रिसमस पर किस तरह से जर्मन और ब्रिटिश के जो सोल्जर थे, सिपाही थे, उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट किया था, किस तरह से वो फ्रेंड बन गए थे। द ब्रिटिश एंड द जर्मन ट्रूप सेलिब्रेटेड क्रिसमस विथ ईच अदर। दे एंजॉयड ईच अदर्स फूड। ऑल ऑफ देम वर स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग। हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफर्सन शेयर्ड द केक कॉनी हैड बेक्ड। दे टॉक्ड अबाउट बाथसेबा, गैब्रियल ओक, सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। दे इवन टॉक्ड अबाउट द बुक्स दे लाइक्ड। दे ग्रीड अबाउट एवरीथिंग बट द ट्रूप्स प्लेड अ गेम ऑफ फुटबॉल फॉर विच बोथ हैंस एंड जिम चीयर्ड, क्लैप्ड हैंड्स एंड स्टैम्प्ड फीट। दे ऑल्सो एक्सेंस्ड कोरल्स, कैरल्स एंड नाइट। इन दिस वे दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर, फाइंडिंग अ लॉट ऑफ कॉमन बिटवीन देम। सिक्स्थ है, व्हाट स्कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट, व्हाई इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। व्हेन द नैरेटर केम टू सी कॉनी एंड गेव हर द बॉक्स, सी मिस्टूक हिम फॉर हर हस्बैंड जिम। सी थॉट दैट जिम हैड कम होम फॉर क्रिसमस। दिस वॉज कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट, इट वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर हर, बिकॉज जिम हैड रिटन इन द लेटर दैट ही वुड कम होम ऑन क्रिसमस। सी हैड रीड दैट लेटर सेवरल टाइम्स एवरी डे टू फील दैट ही वॉज नियर हर। नाउ दैट ही वॉज फाइनली देयर विद हर, सी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। सेवंथ, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट? कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल्स? क्या आपको लगता है ये इसका टाइटल स्टोरी का वो सूट करता है या फिर नहीं, तो अदर क्या हो सकता है? यस, द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट। द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस इज द थीम दैट prevails throughout the story. The message of Christmas peace and good will to all is brought out so clearly through the story. इस स्टोरी से जो इसका टाइटल है वो बिल्कुल सही यानी फिट बैठता है। It was on a Christmas day in the middle of the raging war that to warning troops made peace. The moment of peace that the soldiers shared with each other was the best Christmas present for them. Again, it was on a Christmas day that the narrator went to see Mrs. MacFarlane. He went to return her husband's letter to her. The letter was precious to her, but even more precious was her delicious that the narrator was her husband Jim, who she believed had returned as promised on Christmas Day. जो उनके husband थे कॉनी के, उनको promise करके गए थे कि Christmas पे आएंगे। जब उन्होंने letter उनको मिला तो उनको ऐसा लगा कि मैं उनके husband वापस आ गए। This was the best Christmas present in the world for her. Suitable title could be A Christmas Wish Comes True. Someday at Christmas, the Christmas Masses. Thank you.